लोगों को महामारी से बचाने के लिए युवा कांग्रेस ने नगर में जागरूकता अभियान संचालित किया तथा लोगों को मास्क, सैनिटाइजर तथा साबुन वितरित किए हैं। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने तथा प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समय समय पर हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल ही हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा सकता है। जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने बताया कि नगर क्षेत्र में जागरूकता अभियान संचालित करने के साथ साथ जिले के अन्य हिस्सों में भी जागरूकता के अभियान संचालित किए जा रहे हैं। आज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बड़े भाई कवि जोशी जी के नेतृत्व में आज SBI चौराहे से हमने मास्क वितरण एवं हम जन जागरूकता अभियान यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार हमारा आज छठा दिन है, इसके चलते हम आज यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हम मास्क वितरण का कार्यक्रम आज हमारा द्वारा रखा गया है एवं और आशाओं के लिए सैनिटाइजर और क्या नाम कहते हैं आपका साबुन वितरण कार्यक्रम यहाँ पर हमने किया गया है। आगे भी हमारे यह कार्यक्रम आगे को चलते रहेंगे। हम सभी जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करें, जिससे किसी दूसरे की जान बच सकती है। कोरोना का आपको पता है बहुत तेजी से पांव फसार रहा है। हम पहले भी बता चुके हैं, हम जागरूकता के तौर पर कहना चाहते हैं वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन का बहुत अच्छा वो है कि आप वैक्सीन से सुरक्षित रह सकते हैं। सभी जिसको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी भी सहायता से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आके और वैक्सीन का इस्तेमाल करें। आज युवा कांग्रेस द्वारा दोबारा पुनः पूरे बागेश्वर नगर में भ्रमण करते हुए कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है और इसी के तहत पूरे बागेश्वर में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण कर कोरोना से लड़ने में जो सहायक चीज़ें हैं वो लोगों को बांटी जा रही है और पूरे नगर में ये कार्यक्रम अभी लगातार चलते रहेगा। आज शुरुआत की जा रही है, इससे पहले भी हमने पूरे बाजार में जागरूकता कार्यक्रम किया था जो कि पूरे हमने पूरे नगर के अंदर लोगों को जागरूक किया था कि अधिक से अधिक लोग जो लोग कोरोना से जंग जीत के आ चुके हैं वो लोग अपने प्लाज्मा का डोनेट करें और जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिसे आवश्यक कार्य है वही बाजार में आए और आवश्यक कार्य के लिए ही बाजार में घूमें, अन्यथा बाजार में ना आए। और जितने भी लोग हैं उचित दूरी का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, अपने घरों में सैनिटाइजर का प्रयोग करें और उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी हम सब पर भी है क्योंकि हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो वह समाज स्वच्छ रहेगा। तो इसी के तहत हम पुनः आप तक सभी से ये निवेदन करेंगे कि सभी जागरूक होकर एक जागरूक नागरिक का कार्य करें और समाज में उचित दूरी बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये हमारा जब तक कोरोना का समाप्त नहीं होता तब तक हम लगातार इस कार्यक्रम को करते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि वो अधिक दूरी बना के चलें और मास्क का प्रयोग करें और घरों पर रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाजार आएं। आज ऐसा है कि यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे नगर में और पूरे प्रदेश स्तर में कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर वितरण का हमारा कार्यक्रम था जो कि सफल पूर्वक प्रोग्राम हमारा सफल रहा। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज 12 तारीख से लेकर लगातार जब तक यहाँ पर कोई कोरोना महामारी हम सभी लोग का या भारतवर्ष का पीछा नहीं छोड़ते तब तक हम लोग कहीं ना कहीं मास्क वितरण और अन्य ऐसी चीज़ें बांटने का काम करेंगे जिससे कि जनता के हित के लिए काम कर सकें और जनता के जो भी रोज़मर्रा की या उपयोगी ऐसी चीज़ें हैं या घरेलू चीज़ें हैं उन तक हम उन घरों तक पहुंचा सकें जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। तो इसी की मुहिम के तहत आज यूथ कांग्रेस ने 12 तारीख से यहां पर को नगर में पूरे मास्क और सैनिटाइजर और साबुन और अन्य इस तरीके की चीज़ें बांटने का प्रयास किया है और लगातार ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। सभी यूथ कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। CGN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।